राहुल डबास ने। जिस लैपटॉप को विपक्षी लॉलीपॉप बुलाते थे, अब वो लैपटॉप बांटे गए हैं फरुखाबाद में, लखनऊ में तकरीबन 15,000 लैपटॉप बांटे जा चुके हैं। हमारे साथ खास बात करने के लिए समाचार प्लस के साथ अखिलेश यादव जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से कहा जाता था कि ये लॉलीपॉप है और आपने 15,000 बांट के दिखाए तमाम कम संसाधनों के बूते पर, तो आप क्या कहेंगे विपक्षियों को जवाब है इसका? मैंने अपने भाषण में भी कहा कि जब घोषणा पत्र बना था और लैपटॉप की बात या अन्य योजनाओं की जब बातें आई, तो विपक्ष यही आरोप लगा रहा था कि इतने संसाधन कहाँ होंगे, ये धन का इंतजाम कहाँ से होगा, कि जिसमें विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, 10वां माइनॉरिटी की बेटियों को 30,000 रुपए देना, सड़क पुल, बिजली या तमाम सुविधा कैसे दे पाएगी सरकार। लेकिन आज जब 15,000 लैपटॉप हमने बांट दिए हैं और सरकार ने हर चीज का इंतजाम कर दिया है, बजट दे दिया है, तो आज विपक्ष कोई सवाल नहीं खड़ा कर पा रही। विपक्ष केवल एक बात कह रही है आज, या तमाम पत्रकारों या मीडिया के माध्यम से जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि समाजवादी लोग या समाजवादी सरकार अपना घोषणा पत्र पूरा करने में लगे। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा विश्वास जनता के बीच यही है कि कोई भी दल जो जनता से वादा करे और सत्ता में आए तो उन वादों को पूरा करे। उसमें समाजवादी पार्टी कामयाब हुई है। जितने भी फैसले और जितने भी वादे जनता को किए थे समाजवादी पार्टी ने, आज सरकार में आकर के उनको पूरा करने का काम शुरू किया है। अखिलेश जी, आपने अपने भाषण में भी कहा था कि मायावती ने भ्रष्टाचार की वजह से प्रदेश को उस दौर पे ला खड़ा किया जहाँ पे संसाधनों की कमी है। ऐसे में लैपटॉप के लिए संसाधन जुटाना, उसके बाद बिजली के लिए संसाधन जुटाना, उसके बाद इंटरनेट के लिए काफी लंबा वक्त लगेगा प्रदेश को उभरने में। देखिए, पुरानी सरकार ने आदत डाल दी थी अधिकारियों को, या कुछ अधिकारियों को, सबको नहीं, कुछ को, कि कैसे लूटा जाए, और 5 साल लूटा तो कुछ लोग काम करना छोड़ गए। अब उन्हीं से काम लेना है तो कहीं ना कहीं उनको परिवर्तन लाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने फैसले लिए, हमें भरोसा है कि योजनाएं पूरी होंगी। धन का आवंटन किया है, बजट में इंतजाम किया है और योजनाएं भी पूरी होंगी। एक आखिरी सवाल, विपक्षी दल खासतौर पर बसपा आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि जो लैपटॉप बांटे जाते हैं बाद में वो रीसेल कर दिए जाते हैं, उसे रोकने के लिए और हर एक जो तमाम योजनाएं सरकार की उसके ऊपर सवाल निशान खड़ा होता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर लैपटॉप का, कैसे जवाब देना? ये जितने भी लैपटॉप दिए गए हैं, हर लैपटॉप और उसमें कोड नंबर है और वो कोड नंबर बच्चे का है जिस बच्चे को दिया गया है। दूसरा, इसमें इंतजाम इस तरह का भी है कि सरकार और तस्वीरें हैं उसमें जो ऑन करने और ऑफ करने पर होती हैं। जब तक आप उसकी मशीन को खराब नहीं करोगे, आप उसके मेमोरी में नहीं जाएंगे, तब तक इसको हटा नहीं सकते। और हर लैपटॉप का एक कोड है और वो कोड नंबर जो बच्चे का है उससे मेल खाता है। अगर कोई लैपटॉप कहीं बेचा भी जाएगा तो वो कोड के माध्यम से पता किया जा सकता है कि किस बच्चे ने ये अपना लैपटॉप किसी को दे दिया है या खो गया है। अभी तक जो सूचनाएं आई हैं, एक आध मीडिया ने जरूर बताई है, लेकिन किसी बच्चे ने भी अपना लैपटॉप बेचा नहीं है, न किसी को दिया है, क्योंकि बच्चों को, छात्रों को ये उनको साधन मिला है अपनी अच्छी पढ़ाई करने का, दुनिया से जुड़ने का और बेहतर किसी की जानकारी करने में कितनी सुविधा दे सकते हैं ये आज के समय के लोग जान सकते हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप या इंटरनेट कितना जरूरी सा बनता गया है। और जहां गुणवत्ता की पढ़ाई की दिशा में काम चल रहा हो सरकार का, मैं समझता हूं लैपटॉप उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समाचार प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। इस समाजवाद पार्टी का सिद्धांत ही कहेंगे कि संसाधनों की कमी के बावजूद अपने मैनिफेस्टो, अपने वादों को पूरा कर रही है अखिलेश सरकार। कैमरामैन फैजल के साथ राहुल डबास, समाचार प्लस के।